अरे पटना से पैदा बुलाई दा, अरे नजर आ गई श्री अखिलेश यादव जी, पूरे हिंदुस्तान, पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार और इस सरजमी पे एक नया इतिहास रख करके और एक नया इतिहास रच करके 5 साल के कार्यकाल में आज पूरे देशवासियों को सोचना पड़ रहा है कि क्या है। धन्य है बहादुर, लेकिन कहना है पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम साथियों से, नौजवानों से, मजदूर किसानों से ही कहना है। क्या कहना है मास्टर साहब? सपा का झंडा उड़ाई दा, जी सपा का झंडा लहराई दा, अखिलेश के लनावा। क्रांति कदी ना जलाई दा, क्रांति कदी ना जलाई दा, अरे अखिलेश के लनावा। को गांधी जी ने एक नारा दिए थे, अरे 9 अगस्त 42 को गांधी दिए नारा। करो या मारो ना कोई दूसरा चारा, समाजवादियों और समाजवादी परिवार, समाजवादी नीति और धारा में चलने वाले नौजवानों को ये कहना है। क्या कहना है? कि भाजपा का छक्का छोड़ाई दा, भाजपा का छक्का छोड़ाई दा, अखिलेश के पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत से बनी और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ए सादर 100 रुपया पुरस्कार हमारे बड़का भैया हौलदार यादव मांगलपुर से, बहुत बहुत प्रणाम। मांगलपुर इनकर दुकान है, गांव इनकर तोरवा, बहुत बहुत प्रणाम बा सब भाई के प्रणाम। जय समाजवाद, जय अखिलेश। मुलायम सिंह यादव मर रहे, लेकिन और कहना है, क्या कहना है? अरे जनता तासला को कैला सगनी पीर हो, पूरा
ये देश का ना पूरा हिंदुस्तान का जनता हताश हो गई। अधिक से अधिक यादव परिवार मिलिट्री में भर्ती होत रहल। योगी मोदी जी के दिमाग में ही आ गई कि अहिर बरियार हो सो एकरी अहिर विकास पर बनो पढ़े लिखे में तेज बनो जांगी में जोर बा और पूरे ओबीसी बैकवर्ड और हमारे दलित मजदूर किसान के बेटा जो खेत खलिहान में काम करते हैं ये लोग दौड़ते हैं पढ़ते हैं तो ये ज्यादा जाइए फौज में तो एक के झटका से मार दो चार साल को हो जाओ के भी मैं कोनो नामे न लूं। अरे जनता हताश चला तू पहले सगनी पीर हो अधिकार भरल से ही आराम तीर हो दो हजार चौबीस कई जनवरी का महीना बा मार्च अप्रैल में चुनाव हुई सब भैया लोगों से यह निवेदन बा कि चोरवन के अरे चोरवन के अब की भगाई दा चोरवन के अब की भगाई दा सरकार रहल उत्तर प्रदेश में नेताजी का सरकार रहल उत्तर प्रदेश में धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी के नाम से हिंदुस्तान में मात्र कई व्यक्ति जाने जाते थे सुभाष चंद्र बोस नेताजी और दूसरा हिंदुस्तान की धरती पर नेताजी के नाम से लोग उच्चारण करते हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव को उच्चारण करते थे। आज इस दुनिया में नहीं है महंगाई चरण सीमा को पार कर गई। उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे और बिहार में आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी 2 रुपया किलो आलू 2 रुपया किलो आलू आज आलू 12-14 रुपया किलो हो गई महंगाई चरण सीमा के पार कर गई। अगर एगो फराक की लेके बाहर पर GST लगल बा का कह नाम हो गजबे बढ़ल बाटे रोज महंगाई परिवार के लोग चाहे कोनो जाति को के चमार हो के अहिर हो के नाऊ हो के धोबी हो के बीन हो के राजभर हो के तमाम लोग गाय भैंस रखता तमाम लोग जानवर रखता दूध खाए खातिर दूध बेचे खातिर परिवार के पालन पोषण करे खातिर लेकिन ये ऊपर मोदी जी बड़ा बढ़िया रे घात पे दिहलन कहलन अरे दूध दही ऊपर दिहला GST लगाई अखिलेश भैया का कहा नाम है अरे इन हल से देसावा बचाइला अरे इन हल से देसावा बचाइला अखिलेश जितेंद्र हमारे बाबू कहल आखिरी लाइन है काल रोलो करमनिया लेके चलिए कली से चर्चे नियर तो बांध के लिए आवे के पड़ी कहलन ठीक है अपन गांव है अपन भजन करे के है पार्टी के कुछ कार्यक्रम है 26 जनवरी के दिन बा तो ये भैया हम कहली कि हम का गाई बड़ा गौली उत्तर प्रदेश बिहार में पार्टी के गीत हमारे परिवार के गीत बा चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो चाहे किसी प्रांत के लोग हो लेकिन हिंदुस्तान को एक ही है इसलिए कहना है क्या कहना है अरे तबलू भैया पीछे
मिठाई लाई ना। आप बाबू लोगों से भैया लोगों से ही प्रार्थना हो, क्या प्रार्थना है कहना है क्या कहना है। अरे पिछड़ा दलित अब ये कत्ता बनावा, पिछड़ा दलित मुसलमान हिंदू सिख ईसाई जे जोने धर्म के मानवता, लेकिन एकता बनाना होगा। आज इस दिन एकता नहीं होगा तब तक बीजेपी वाला आपको हमको लूटता रहेगा, ठगता रहेगा। इसी तरह से लूटते लूटते इस देश को खोखला बना दिया और हर एक एक आदमी पर आज 87% कर्जा बा। मोदी जी इतना कर्ज में डाल दे हूँ, इतना कर्ज में डाल दे कि कफन उड़ के जेबो तब वो कफनों कर्ज मिले। बारे मोदी जी कहना है क्या? अरे पिछड़ा दलित सब एकता बनावा, अरे यादव बिहारी पग बढ़ाइला, यादव बिहारी पग बढ़ाइला, अरे अखिलेश कैलन बहुत बहुत धन्यवाद।